हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ते हैं टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। मतलब कि एक पॉइंट चार्ज होगा, एक पॉइंट पर एक चार्ज हम लोग रख देंगे तो एक उसे हम लोग कहेंगे एक पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज किसी दूसरे पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा तो उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग आज समझेंगे। अब देखिए, इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ने से पहले बहुत ध्यान से पहले समझते हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्या ज़रूरत है इसकी, कैसे इसको हम लोग अपने थॉट में लाएंगे, कैसे इसको हम लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह में इस्तेमाल करेंगे। बहुत ध्यान से पहले डेरिवेशन पढ़ने से पहले आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट, तो उन बेसिक पॉइंट्स को पहले आप ध्यान दीजिए, कवर करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर हेडिंग है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, यानी कि एक पॉइंट चार्ज। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि पॉइंट चार्ज का मतलब कि एक पॉइंट पर आपने कोई चार्ज रख दिया उसे हम लोग कहते हैं एक पॉइंट चार्ज। तो एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, चलिए कुछ यहाँ पर देखिए, जरा बता रहा हूँ आपको मैं कुछ बेसिक पॉइंट इसके। अच्छा, मान लिया मैंने कि मैंने यहाँ पर, चलिए मैंने मान लिया कि ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, और यहाँ पर एक मैंने ओ पॉइंट मान लिया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके अंदर ओ पॉइंट पर एक चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, और आपसे कह रहा हूँ कि ये जो पॉइंट है वो पॉइंट है ओ, क्लियर। तो ये हमारा क्या हुआ, पॉइंट चार्ज। अब हमने मान लिया कि मेरे पास तीन पॉइंट है, एक यहाँ पर है ए पॉइंट, एक यहाँ पर है बी पॉइंट और एक यहाँ पर है सी पॉइंट। ओके, बहुत ध्यान से पहले समझना आप पूरा कॉन्सेप्ट। पहले सबसे पहले हम लोग हर हेडिंग के, हर डेरिवेशन के पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को ध्यान देंगे कि आखिर वो हमसे क्या कह रहा है, या फिर अगर फिजिक्स में हम लोग कोई भी अगर मान लीजिए प्रूविंग कर रहे हैं, कोई भी अगर हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं, मतलब डिराइव कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर हम लोग डेरिवेशन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, और उसका बेनिफिट न्यूमेरिकल में जाकर क्या होगा, या फिर किसी भी एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे। ओके, अब देखिए इस फिगर में क्या है, इस फिगर में एक चार्ज है पॉइंट चार्ज, वो कितना है प्लस क्यू। अब उसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने बना दिया है, यानी कि उतने दूर तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड काम करेगा, क्लियर। और उसके अंदर मैंने देखिए यहाँ पर तीन पॉइंट दिखाए हैं, ए बी और सी। ए पॉइंट पॉइंट चार्ज के ज़्यादा पास है, बी पॉइंट कुछ दूर है, और जो सी पॉइंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर है, क्लियर है। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर, अब अगर हम बात करें तो ये जो चार्ज है वो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मान लिया मैंने वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई वन है, फिर यही पॉइंट चार्ज प्लस क्यू बी पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, मैंने उसे मान लिया ई टू, ई टू, और ये जो पॉइंट चार्ज दिख रहा है प्लस क्यू वो सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा पाएगा, क्यों, क्योंकि सी पॉइंट उसके इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या है, बाहर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या, जितने दूर तक उसका इलेक्ट्रिक इफेक्ट दिखाई दे, ओके, यानी कि सी पॉइंट पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड काम नहीं करेगा, क्लियर। अगर अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूं, इस फिगर को आपने ध्यान से समझ लिया, अगर अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ E1 और E2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, यहाँ पर E1 और E2 में किसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो आप बताओगे सर E1 की, क्यों, क्योंकि E1 पॉइंट चार्ज के यानी कि प्लस क्यू चार्ज के ज़्यादा पास है, और E2 क्या है, उसके कंपेयर में दूर है, यानी कि हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो E1 है उसकी वैल्यू बड़ी है और E2 की वैल्यू छोटी है, क्लियर। ओके, यहाँ तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब थोड़ा सा और देखिए ध्यान से, आप इस फिगर को देखने पर हमें यहाँ पर क्या मालूम चल रहा है, पता है कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस कर रहा है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में बताया था आपको मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो फिर से थोड़ा सा मैं बता रहा हूँ कि क्या अंतर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब कि हाँ उस पॉइंट पर उसका इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब फोर्स वगैरह लग रहा है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ कि वहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, दोनों में अंतर है, क्लियर है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एक इफेक्ट है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस इलेक्ट्रिक फील्ड की मेजरमेंट की वैल्यू है, 5, 10, 15 न्यूटन पर कूलॉम कितना भी वो है, ठीक है। यहाँ पर तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज,
डिपेंड्स अपॉन, देखिए हम लोग यहाँ पर हर हेडिंग में केवल हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन या फिर प्रूविंग वगैरह नहीं पढ़ने वाले। डेरिवेशन और प्रूविंग पढ़ने के साथ साथ जितना भी इस टॉपिक से जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको निकाल कर पूरा आपको अपने माइंड में रखना है, जिससे कि आगे जाके न्यूमेरिकल्स हो, आगे जाके थ्योरी वाले क्वेश्चंस हो, आगे जाके प्रैक्टिकल से रिलेट करता हो कोई भी अगर क्वेश्चन अगर वगैरह आए तो आपको अच्छे से आ जाए। मेरा बस मेरा मतलब ये है, बहुत ध्यान से समझना। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज डिपेंड्स अपॉन, किन किन बातों पर डिपेंड करता है बताइए। पहला तो ये कि वो जो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग फाइंड कर रहे हैं वो पॉइंट कितना पास है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं नंबर पहला डिस्टेंस, डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर हम चार्ज के बहुत पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा काम करेगा। अगर हम चार्ज से दूर हैं तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसके कंपेयर में कम काम करेगा, क्लियर। दूसरा यहाँ पर होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ये बहुत आपको ध्यान से समझना है। वास्तव में इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स को कहते हैं ना एक तरह से, कैसे बता रहा हूँ। मैंने अगर आपसे बोला कि ये दिख रहा आपको वाइट मार्कर, मान लिया मैंने कि ये एक चार्ज है, ध्यान से सुनना आप, ये चार्ज है और यहाँ पर दिख रहा ना आपको इस पॉइंट पर एक मैंने एक और यहाँ पर रख दिया कोई पॉइंट मान लिया, ठीक है, तो ये इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का मतलब क्या, अगर इस कैसे मालूम चल रहा है कि मुझे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, अगर मैं यहाँ पर एक वुडन ब्लॉक, लकड़ी का कोई भी अगर मैं ब्लॉक या कोई इंसुलेटर ला के रख दूँ तो क्या इस पर काम करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, नहीं काम करने वाला, क्योंकि वो इंसुलेटर है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस पॉइंट पर एक दूसरा कोई टेस्ट चार्ज क्यू नॉट या फिर एक्सपेरिमेंटल चार्ज आप कह सकते हो उसे, वो अगर मैंने यहाँ पर ला के रख दिया तो क्या करेगा, ये उस पर फोर्स लगाएगा और जो फोर्स लगेगा ना इस पर वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। चलिए आपको बता रहा हूँ पहली बात, चलिए पहला यहाँ पर क्या कि वो फोर्स कितना लग रहा है। अगर वो फोर्स ज़्यादा लगेगा तो हम कहेंगे कि हाँ भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ज़्यादा है। अगर वो फोर्स कम लग रहा है, अच्छा कम कब लगेगा, जब वो पॉइंट क्या होगा उस चार्ज से, ये चार्ज है मान लीजिए, तो उस चार्ज से जब वो दूर होगा तब वो क्या करेगा, तब ये उस पर फोर्स कम लगा पाएगा, और वही अगर पॉइंट पास में आ गया तो ज़्यादा लगाएगा। दो बातों पर डिपेंड कर रहा है, एक तो डिस्टेंस पर जो मैंने लिख दिया और दूसरा क्या इलेक्ट्रिक फोर्स। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अलग समझते हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स को अलग हम लोग गैस करते हैं, पर ऐसा नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सीधा संबंध, सीधा इसका रिलेशन किससे है, इलेक्ट्रिक फोर्स से है भाई। इलेक्ट्रिक फोर्स ही बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लग रहा है। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू ज़्यादा है तो कॉमन सी बात है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी ज़्यादा होगी, मतलब कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स पर भी डिपेंड करेगा, क्लियर है ना। मतलब कि अगर ये मैक्सिमम है और अगर ये मिनिमम है तो उसी के करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और मिनिमम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी मिनिमम हो जाएगा, क्लियर। तो देखिए यहाँ पर ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है। तो अब यहाँ पर अच्छा ये डेरिवेशन करने की ज़रूरत क्या पड़ी बता रहा हूँ। अगर एक पॉइंट चार्ज, ये तो मालूम था कि हाँ एक पॉइंट चार्ज अलग अलग पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, जो पॉइंट जितना पास होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर ज़्यादा काम करेगा। अगर हम और दूर जाते जाएंगे तो एक टाइम आएगा कि मैं उस पॉइंट चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को पार कर जाऊंगा, तब ये उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि अब मैं उससे बहुत दूर हूँ। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई तो हो रहा है पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, वैल्यू का मतलब 5, 10, 15, 20 यूनिट कितनी है। तो वो वैल्यू फाइंड करने के लिए डायरेक्ट फार्मूला, यानी कि बस हमें फार्मूला पता हो और हमें डिस्टेंस पता हो और हमें चार्ज पता हो और डायरेक्ट हम वैल्यू लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लें, सारी जितनी फंडामेंटल वैल्यू है चार्ज की, जितनी फंडामेंटल वैल्यू है डिस्टेंस की, वो सब लगाकर हम लोग डायरेक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू फाइंड कर लें। इसलिए हमें यहाँ पर पढ़ना है क्या, डेरिवेशन। मतलब कि इस डेरिवेशन को पढ़ने के बाद आपको एक फार्मूला मिल जाएगा, उस फार्मूले को आपको कहाँ अप्लाई करना है पहले उस चीज़ को माइंड में लाओ आप, क्या कहाँ पे आपको अप्लाई करना है कि जब एक पॉइंट चार्ज आपको पता हो और उस पॉइंट चार्ज से किसी डेफिनेट डिस्टेंस पर एक और पॉइंट रखो, ठीक है, रखा हो और उस पॉइंट पर वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, वो चीज़ अगर आपको मालूम करनी हो उस कंडीशन में आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, क्लियर है। तो चलिए इसको आप लोग कॉपी करना है तो कॉपी कर लीजिए, बेसिक पॉइंट है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इस हेडिंग की प्रूविंग को, डेरिवेशन को प्रॉपरली अच्छे से, जैसे कि आपको बोर्ड एग्जाम में प्रेजेंट करना है प्रॉपर नोट्स के साथ, प्रॉपर उसमें नोट होंगे और प्रॉपर उसमें फिगर होगा। चलिए इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए। ओके अब देखिए यहाँ पर
अब हम लोग पढ़ते हैं इसका डेरिवेशन। क्लियर? तो देखिए हर बार की तरह आपको मैं बता दूं एक और बात यहाँ पर कि जब भी अगर प्रूविंग वगैरह आती है तो उसमें हाफ नंबर, उस जितने भी नंबर का अगर वो क्वेश्चन आता है तो उसके आधे नंबर का फिगर होता है, यानी कि जो आप डायग्राम बनाते हैं क्वेश्चन को लेकर, और आधे नंबर का होता है उसका थ्योरी टाइप का, मतलब कि जो आप रिटन वाला करते हैं डेरिवेशन। तो प्लीज़ आपसे मैं बोल रहा हूँ कि जब भी कोई क्वेश्चन होगा तो आप उसके फिगर को बिल्कुल नोटिस, बिल्कुल अच्छे से नोटिस करें, क्योंकि अगर फिगर आप और आपको आ गया तो वो देखकर शायद आप थ्योरी और बना सकते हैं। तो फिगर को आप बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करना, बहुत ध्यान देना फिगर को। चलिए क्लियर है? देखिए यहाँ पर हम लोग करते हैं इसका प्रूविंग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, उसकी वैल्यू कितनी है, उसे हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। देखिए फिगर यहाँ पर, चलिए ध्यान दीजिएगा फिगर, आराम से पहले समझ लीजिए उसके बाद से कॉपी करिएगा, मैं यहाँ हट जाऊँगा, आप आराम से कॉपी करना। पहले यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, ये हमने मान लिया कि यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है। अच्छा, इसका ये जो पॉइंट है उस पॉइंट को मैंने मान लिया ओ पॉइंट है, ये ओ पॉइंट है, और इस पर मैंने प्लेस कर दिया, इस पर मैंने रख दिया एक चार्ज, मान लिया मैंने प्लस क्यू। क्लियर? और अब हमें यहाँ पर मालूम करना है कि ये जो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट चार्ज, बिकॉज क्योंकि ये एक पॉइंट पर रखा हुआ है। क्लियर है? अब हमें यहाँ पर मालूम करना है कि ये पॉइंट चार्ज किसी दूसरे पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। तो वो पॉइंट आप कहीं भी मान सकते हैं, कैसे भी। तो मैंने मान लिया यहाँ पर ये पॉइंट है, ये पॉइंट हमने मान लिया पी पॉइंट। क्लियर है? हमें यहाँ पर बताना है कि ओ पॉइंट चार्ज, ओ पॉइंट पर एक पॉइंट चार्ज रखा है जिसकी वैल्यू कितनी मानी मैंने, प्लस क्यू। पी पॉइंट है और उस पी पॉइंट पर बताना है कि ये जो प्लस क्यू चार्ज है वो कितना इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पर अप्लाई कर रहा है। क्लियर है? अच्छा, मतलब कहने का कि जिस भी पॉइंट पर आपको मालूम करना होगा उस पॉइंट को आप ना लीनियर फॉर्म में ज्वाइन कर देना किससे, पॉइंट चार्ज से। सपोज मान लो पॉइंट अगर यहाँ होता तो हम लोग ऐसे करके ज्वाइन करते हैं। क्लियर है ना? तो जिस भी आपको पॉइंट पर मालूम करना होगा उस पॉइंट को पहले हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे पॉइंट चार्ज से। क्लियर है? आराम से समझना। अच्छा, कैसे हम लोग यहाँ पर, ये तुम्हारा बन गया अभी आधा फिगर, अब ध्यान से सुनना। जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर हमें पी पॉइंट पर फाइंड करना है, तो जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना होता है उस पर हम लोग एक दूसरा एक्सपेरिमेंटल चार्ज ला के रखते हैं। मैंने आपको बताया शुरुआत में क्यों रख रहे हैं ऐसा, क्यों यहाँ पर हम लोग टेस्ट चार्ज को ला कर रख रहे हैं, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू तब तक नहीं फाइंड कर सकते हो जब तक कि आपको ये ना मालूम हो कि उस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है, यानी कि ये इस पी पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स काम कर रहा है। क्योंकि आपसे मैंने बताया था अभी शुरुआत में कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटेंसिटी होती है वो डिपेंड करती है दो बातों पर, एक तो डिस्टेंस पर, तो भाई डिस्टेंस तो मैंने मान ली कितनी है, आर है, और दूसरा क्या कहा था आपको मैंने लिखवाया था अभी, क्या, इलेक्ट्रिक फोर्स पर। तो भाई यहाँ पर पी पॉइंट पर फोर्स किस पर काम करेगा, एक चार्ज फोर्स कब लगाएगा, जब उसके पास कोई दूसरा चार्ज आएगा, कॉमन सी बात है ना। तो इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पर पी पॉइंट पर आपको एक एक्सपेरिमेंटल चार्ज लाकर रखना पड़ेगा। क्यों रखना पड़ेगा, जवाब आपको मिल गया ना, क्योंकि अगर हम पॉइंट चार्ज को ला के रखेंगे किसी दूसरे टेस्ट चार्ज को यहाँ पर ला के रखेंगे पी पॉइंट पर, तो हमारा जो पॉइंट चार्ज है उस पर फोर्स लगाएगा और हम उस फोर्स की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और तब एक फार्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आपको बताया था मैंने फार्मूला अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो इस फार्मूले में फोर्स पता कर लेंगे और क्यू नॉट तो मालूम ही रहेगा, दोनों को यहाँ पर अप्लाई कर देंगे तो हमारा फार्मूला निकल आएगा। क्लियर है ना? तो देखिए इस P पॉइंट पर मैंने एक टेस्ट चार्ज ला के रख दिया, मान लिया मैंने वो है प्लस का क्यू नॉट, इसको मैंने यहाँ पर ला के रख दिया P पॉइंट पर। अब क्या होगा, ध्यान देना, ये प्लस क्यू चार्ज और यहाँ पर क्या प्लस क्यू नॉट चार्ज है, तो ये इस पर क्या करेगा, रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस है और ये भी क्या है, प्लस है। तो क्या करेगा, ये प्लस क्यू पॉइंट चार्ज इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज क्यू नॉट पर एक रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये ऐसे लगा रहा रिपल्सन फोर्स। ओके, चलिए अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि सर आप ये यहाँ पर ये क्या बना दिया, बता रहा हूँ आपको मैं। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, प्लस का यहाँ पर चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे लगा रहा है। मैंने आपसे शुरुआत में कहा था कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा। तो यहाँ पर खैर दोनों यहाँ पर अप्लाई हो रहे हैं। चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पर फोर्स भी अप्लाई हो रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स यहाँ पर, ये इस पर अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है? और इसी पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी अप्लाई हो जाएगा, दोनों की डायरेक्शन क्या होने वाली है, सेम होने वाली है। फोर्स भी यहाँ पर इस तरफ काम करेगा और उसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड भी काम करेगा।
तो सबसे पहले कि मैंने पी पॉइंट पर अगर एक टेस्ट चार्ज को ला के रखा है तो ये प्लस क्यू चार्ज उस क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर है ना? बस पहले यहाँ तक हम लोग अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करते हैं कि ये प्लस क्यू चार्ज क्यू नॉट पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा। क्लियर है? अच्छा, उस फोर्स की वैल्यू फाइंड करने का तरीका पता है आपको, कूलॉम्स लॉ होता है कि दो चार्जेस पता है आपको, इसे हमने मान लिया क्यू वन, इसे हमने क्या मान लिया क्यू टू, और दोनों के बीच की जो गैपिंग है, जो डिस्टेंस है, वो कितनी आर है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे फार्मूला कूलॉम्स लॉ का 1/4πε0 q1 q2/r। उसके अंदर मान लिया मैंने कि ये सब कुछ हमारा वैक्यूम मीडियम है, ये हमारा वैक्यूम है, ओके, ये हमारा जो पूरा मीडियम हमारा वैक्यूम में रखा हुआ है, तो वहाँ पर कैपिटल के नहीं आने वाला। कैपिटल के का मतलब डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट, इसके बारे में आपको अच्छे से पता है। क्लियर है? क्योंकि वैक्यूम और एयर के लिए कैपिटल के की वैल्यू कितनी होती है, एक। इसका एक और नाम क्या है, रिलेटिव परमिटिविटी। क्लियर है? तो ये हमारा कंप्लीट बन गया फिगर। अब देखिए, पर ध्यान दीजिए, ई वैक्टर और एफ वैक्टर का मतलब क्लियर है ना आपको, स्केलर क्वान्टिटी और वैक्टर क्वान्टिटी बताया था आपको मैंने। तो ई और एफ इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बोथ क्वांटिटीज आर वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? तो अब देखिए, इसी की थोड़ी सी जो लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। देखिए, आपको दिखा रहा हूँ लिख के मैं, कैसे आपको कॉपी करना है। लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू बी प्लेस्ड एट पॉइंट ओ फुल स्टॉप। फिर उसके बाद से लेट अ पॉइंट कैपिटल बी प्लेस्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस। लिखिए फिगर को ध्यान से, जो भी मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ उसे आप लोग फिगर से करेक्ट करो, पूरा आपको अच्छे से मालूम चल जाएगा कि मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ। क्या लेट अ पॉइंट पी बी प्लेस्ड एट स्मॉल आर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज एंड अ टेस्ट चार्ज यानी क्यू नॉट बी प्लेस्ड एट पॉइंट पी। क्लियर? जो भी मैंने यहाँ पर आपको बताया था फिगर में, उसे मैंने यहाँ पर प्रॉपरली कॉपी कर लिया। ठीक है? अच्छा, इतना होने के बाद क्या हुआ कि ये जो दिख रहा है वो पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट चार्ज इस टेस्ट चार्ज यानी कि इस एक्सपेरिमेंटल चार्ज क्यू नॉट पर फोर्स अप्लाई करेगा। मैंने कि ऐसे बना दी समझाने के लिए आपको एरो एफ वेक्टर। तो यहाँ पर करने वाले हम लोग नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ड्यू टू, चलिए ऐसे लिख देता हूँ आपको मैं, नाउ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन चार्जेस प्लस क्यू एंड प्लस क्यू नॉट इज गिवन बाय। यहाँ पर मैं जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा था, या फिर मैं ऐसे बोलूँ कि इन दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसकी वैल्यू क्या होगी, तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है, ओके? तो फॉर्मूला आपको अच्छे से याद है ना, 1/4πε0 के यहाँ पर मत लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैक्यूम मान लिया है, और वैक्यूम के लिए कितना होता है, 1 होता है। क्लियर है? और q1 q2, तो जहाँ पर फॉर्मूले में q1 आता है वहाँ पर मैं लगाऊंगा क्यू, ओके, प्लस और माइनस कूलॉम्स लॉ के फॉर्मूले में नहीं आता है, क्योंकि वो रिपल्सन और अट्रैक्शन से मैनेज हो जाता है। ठीक है? तो q1 का मतलब q, q2 का मतलब q नॉट, और r का मतलब तो r है यहाँ पर। तो लगा दिए फॉर्मूला 1/4πε0 इंटू q1, ओके, दिस इज q1 एंड दिस इज q2, q1 q2/r r स्क्वायर। इसे मैंने मान लिया, इक्वेशन फर्स्ट मान लिया, यानी कि ये फोर्स काम कर रहा है। और उसके बाद से आपको पता है यहाँ पर बेसिक फार्मूला E=F/Q0, यहाँ से हम लोग मालूम कर लेंगे। इतना करने के बाद देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, चलिए इसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ,
डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डेफिनेशन आपको बताया था मैंने कि E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स टू द डिस्चार्ज। ओके इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो बस वहां पर लगा दीजिए फॉर्मूला E इज इक्वल टू होता है यहाँ पर देखिए एफ अपॉन क्यू नॉट। इसको मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूँ ना, मैथ आपने लिया है तो आपको मालूम होगा ऐसे बोल सकता हूँ, कॉमन सी बात है। E इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू नॉट इन टू एफ। बस मैं ऐसा यहाँ पर क्यों लिख रहा हूँ आपको और सिंपल लगे, इसीलिए यहाँ पर लिखा था E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया वन अपॉन क्यू नॉट इन टू एफ। अभी अगर सॉल्व करेंगे तो वही आने वाला ना यहाँ पर, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्लियर। इतना करने के बाद इसको मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके चलिए ऐसे करते रहो, रहने दीजिए इसको मत मानिए। अब इसके बाद सिस्टम देखिए यहाँ पर E इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू नॉट, क्लियर। मैंने लिख दिया वन अपॉन क्यू नॉट इन टू और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है F, तो बस यहाँ पर F की लगा दीजिए वैल्यू। F की यहाँ पर वैल्यू ऊपर है ना इक्वेशन फर्स्ट में, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पर दिखा देंगे हम लोग फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्लियर है। मतलब कि देखिए यहाँ पर बहुत आसान है, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखाया डेफिनेशन E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट, फिर उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया E इज इक्वल टू वन अपॉन क्यू नॉट इन टू एफ। इतना करने के बाद यहाँ पर F की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग निकाल चुके हैं वन अपॉन फोर बाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये पूरी की पूरी F की वैल्यू, इस पूरी F की वैल्यू को उठा के मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया, तो E को मैंने ऐसे कॉपी कर दिया, वन अपॉन क्यू नॉट को भी मैंने ऐसे कॉपी कर दिया, और जहाँ पर लिखा ना एफ उस F के प्लेस पर पूरी उसकी वैल्यू मैंने कॉपी कर दिया। अब देखिए ध्यान से क्या होगा, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, ओके कैंसिल हो गया। और फिर से कह रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में आप ऐसे कैंसिल मत करना, मैं यहाँ पर केवल आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, जितना हो सके उतना कट करने से नंबर्स को नंबर्स से, टू को मान लीजिए अगर टू एट एट अगर टू से कट रहा है तो बच्चे करते हैं कि टू वन जाए टू और टू फोर जाए एट, तो ये सारे के सारे जो बेसिक होते हैं सॉल्यूशन उसको आप लोग फेयर कॉपी यानी कि बोर्ड एग्जाम कॉपी वगैरह में सॉल्व मत करना, उससे थोड़ा सा इफेक्ट खराब पड़ता है। तो नॉर्मल सी बात है, तो वैसे आप मत करना, आपको पता भी है नॉर्मल यहाँ पर कट जाएगा कैंसिल कैंसिल हो गया, थोड़ा सा मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है ध्यान दीजिएगा इसके बाद का मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो अब यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू देखिए ध्यान से यहाँ पर बचेगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इन टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा कंप्लीट बन गया फॉर्मूला, ये हमारा हो गया डेराइव कंप्लीट। तो देखिए अभी तो ये हमारा हो गया प्रूविंग, ऐसे हम लोगों ने यहाँ पर प्रूव कर लिया, ये हमारा है कंप्लीट फिगर और ये हमारा फॉर्मूला था जिसके थ्रू हम लोगों ने यहाँ पर सॉल्व कर लिया। अब इतना करने के बाद आपको अपनी कॉपी में लिखना है नोट, और उस नोट में आपको दो तीन बातें बतानी है, क्योंकि ये तो नॉर्मल है यहाँ तक तो सब बच्चे करेंगे, आप भी करोगे और जो जिन बच्चों ने तैयार किया होगा वो भी करेंगे। इसके बाद से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट है जो आपको इसी क्वेश्चन में इसी प्रूविंग में अलग से आपको नोटिफाई करना है, तो फटाफट इसको आपको कॉपी कर लीजिए। आई होप कि आपको अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद से कॉपी करने के बाद हम लोग हेडिंग यहाँ पर पढ़ेगी नोट, और उस नोट के अंदर हम लोग कुछ और बेसिक पॉइंट पढ़ेंगे, कॉपी कर लीजिए अच्छे से। ओके अब देखिए यहाँ पर ये मेरा फॉर्मूला आ गया E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से ये हमारा किसके लिए आया था, ये हमारा आया था फॉर वैक्यूम या फिर एयर के लिए, ऐसा था ना यहाँ पर। तो इसी में हम लोग चाहें तो इसको ऐसे देखिए बोल सकते हैं, ध्यान दीजिएगा अच्छे से E इज इक्वल टू मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल के, कैपिटल के का मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारा बन गया फॉर, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, फॉर मीडियम हैविंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैपिटल के, क्लियर। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में अगर आपसे बोला गया वाटर है तो आप लोग इस्तेमाल कर लेंगे 80 और 81 ऐसे करके जो भी आपको वहाँ पर दे रखा होगा। अगर यहाँ पे आपका मेटल है तो वहाँ पे आप अप्लाई कर देंगे इन्फिनिटी, तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो दोनों में थोड़ा छोटा सा अंतर है कैपिटल के का। ओके अब देखिए इसके बाद से
इसके बाद यहाँ पर आप दिखाएंगे नोट, नोट नंबर फर्स्ट। देखिए हमारा पहला यहाँ पर नोट क्या है, देखिए फार्मूले में कि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर है और उसी के सामने क्या है क्यू है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या, अगर चार्ज ज़्यादा होगा तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। कॉमन सी बात है, मेरे पास मान लीजिए एक चार्ज है, मैंने मान लिया 15 कूलॉम, कितना 15 कूलॉम चार्ज है, ठीक है मान लिया, और यहाँ पर एक डेफिनेट डिस्टेंस, यहाँ पर एक पॉइंट पी है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है, मान लिया मैंने उसकी वैल्यू E1 है। बट अगर मैं यहाँ पर कर दूँ 150 कूलॉम, यानी कि 150 कूलॉम, 150 कूलॉम का चार्ज, तो अगर इस चार्ज की वैल्यू 15 से बढ़ा कर अगर मैं कर दूँ कितना 150 और पॉइंट वहीं पर हो, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड सेम अप्लाई होगा, नहीं। अब अगर यहाँ पर चार्ज की मैग्नीट्यूड की वैल्यू, मतलब वैल्यू इसकी न्यूमेरिक वैल्यू अगर मैंने बढ़ा कर 15 से 150 कर दी, अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या करेगा, उतना ही ज़्यादा यहाँ पर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर डिपेंड कर रहा है यहाँ पर, इस जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर टॉपिक, इस पर कहाँ पर डिपेंड कर रहा है, चार्ज के मैग्नीट्यूड पर, कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, क्लियर है। तो देखिए हमारा पहला अगर पॉइंट हो गया, पहला अगर पॉइंट बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिपेंड्स अपॉन द, देखिए डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, ये मैग्नीट्यूड ऑफ पॉइंट चार्ज। और देखिए पर दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर ये है कि देखिए यहाँ पर E ऊपर है और R क्या है नीचे है, यानी कि अगर मैं आपको और अच्छे से यहाँ पर दिखा पाऊँ, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ मैं इसको, मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना कि E प्रोपोर्शनल टू Q, और अच्छे से आपको और क्लियर हो गया, चार्ज बढ़ाओगे तो E की वैल्यू बढ़ेगी, इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चार्ज की वैल्यू को कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। अब देखिए कितनी अच्छी बात है कि फिजिक्स में जो हमने डेराइव किया, जो हमने प्रूव किया, उसका कॉन्सेप्ट भी वही है जो हम लोग रियल में फील करते हैं। अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया था अभी इसका कि अगर ये 15 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, और फिर अगर इसकी वैल्यू बढ़ा के मैंने कर दी 150, 150, तब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ज़्यादा अप्लाई होगा। तो एक तो ये प्रैक्टिकल भी आपको मालूम चल रहा है कि हाँ ऐसा होगा, और वही चीज़ हमारा कॉन्सेप्ट भी ऐसा बता रहा है, क्लियर है ना। तो इसे हम लोग कहते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर क्यू की वैल्यू बढ़ाओगे आप तो ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, क्यू की वैल्यू को कम करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी कम हो जाएगी। देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, दूसरा देखिए ई ऊपर है और आर स्क्वायर नीचे है, इसे हम लोग कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको जरा समझिए प्रैक्टिकल से, मैंने अगर आपसे बोला कि मेरे पास 10 कूलॉम चार्ज है, ओके, और इससे दो मैं केस ले रहा हूँ। पहला केस क्या है कि 10 कूलॉम चार्ज से 1 मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट, एक मान लीजिए चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट है, तो उस पर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए अप्लाई हो रहा है, क्लियर है, मान लिया E1 पहला केस। और फिर वही चार्ज है, चार्ज की वैल्यू पहले भी 10 थी अभी, और अभी भी कितनी है 10 है, और इस बार जो पॉइंट है वो हो गया 2 मीटर पर, तो क्या उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा है, मान लिया मैंने E2, तो E1 और E2 में कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, E1 वाली, क्यों, क्योंकि वो क्या है इस पॉइंट चार्ज के ज़्यादा पास है, और दूसरा वाला क्या है दूर है, दोनों कंडीशन में केवल डिस्टेंस बदल रहा है, चार्ज सेम है, कितना 10 कूलॉम, चार्ज कितना है 10 कूलॉम। तो इस कंडीशन पर हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है कि अगर मैं डिस्टेंस को बढ़ाता जा रहा हूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो रही है, लगातार कम होती जा रही है। इसे हम लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो वैल्यू है वो डिस्टेंस की क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उल्टा रिलेशन है। डिस्टेंस बढ़ाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होती जा रही है, डिस्टेंस कम करने पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़्यादा हो रही है, क्लियर है। तो देखिए उसको भी यहाँ पर आप दिखा देना इसी क्वेश्चन में, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पर मैंने जो मैंने लिखा ना डिपेंड्स अपॉन, आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी लिख सकते हो, क्लियर है। देखिए दूसरा यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द, देखिए यहाँ पर है ना स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट चार्ज टू द गिवन पॉइंट। यहाँ पर गिवन पॉइंट का मतलब यहाँ पर क्या पी पॉइंट से है,
जो मैंने फिगर में लिया था ना पी पॉइंट, यानी जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होता है उस पॉइंट से लेकर पॉइंट चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो उसको भी आप दिखा देना ऐसे करके यहाँ पर कैसे, देयरफॉर ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। क्लियर है ना यहाँ पर? तो ये पूरा हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, इस तरह से आपको वहाँ पर प्रेजेंट करना है। बाकी यूनिट वगैरह बताने की जरूरत नहीं है, यूनिट और डायमेंशन तो आपको बताइए क्या होता है यूनिट इसकी, न्यूटन पर कूलॉम, और वहाँ से आप लोग डिफाइन कर लोगे, डेराइव कर लोगे डायमेंशन को भी, तो वो कॉमन है, जहाँ जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वहाँ वहाँ वो चीज़ कॉमन है। तो इसको अच्छे से आप कॉपी कर लो। अब इसी के बाद बताता है कि सुपर पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कुछ नहीं होता है, आपको सेम फिगर दिखाना पड़ेगा। जैसे कि अगर एक पॉइंट चार्ज है तो वो लगा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ई वन, अगर दो पॉइंट चार्ज होंगे तो वो लगाएंगे ई टू और ई वन साथ में, अगर तीन पॉइंट चार्ज है तो वो लगाएंगे ई वन प्लस ई टू प्लस ई थ्री, तो वो कॉमन सा है, उसमें कोई अलग से कॉन्सेप्ट नहीं है। उसमें जैसे कि फोर्स का था, बिल्कुल इलेक्ट्रिक फोर्स का था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है। क्लियर है ना? तो अभी आपको मैं बता दूंगा अभी आगे, तो इसको आप अच्छे से कॉपी कर लो। अब इस पर, इस वाले डेरिवेशन पर बेस्ड आपको मैं बताऊंगा एक न्यूमेरिकल, बहुत ध्यान से समझना। और फिर आप लोग ये पूरा हमारा लेक्चर खत्म होने के बाद आप लोग अपने घर में ये पूरा कॉपी कर लेना, प्रॉपरली नोट कर लेना, इसको लर्न कर लेना, समझ लेना, और उसके बाद से जो आपको मैं करा रहा हूँ न्यूमेरिकल उसको भी आप देख लेना, और फिर इस पर इसके फॉर्मूले पर बेस्ड जितने भी क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल्स हैं उसको आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करना, और जैसा भी हो उससे आप लोग हमें कॉमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना। चलिए इसे आप लोग कॉपी कर लीजिए पहले। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अपना मूड फ्रेश करते हैं। जो हम लोगों ने यहाँ पर डेरिवेशन पढ़ा था उस पर बेस्ड एक हम लोग पढ़ते हैं न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल को बहुत ध्यान से आप समझना, क्योंकि देखिए इस न्यूमेरिकल में बहुत ही एक छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट है, और उसके अलावा देखिए ये हमारा जो क्वेश्चन है ये पंजाब बोर्ड में 98 में पूछा गया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो आपको ध्यान से आपको समझना है बहुत ध्यान से। देखिए अपन क्वेश्चन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, टू पढ़िए आराम से, टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्ज है, ये टू क्रॉस 10^-7 एंड वन क्रॉस 10^-7। देखिए ध्यान से आपको दिखाता हूँ फिगर, मैंने आपसे कहा था ना किसी भी न्यूमेरिकल में फिगर हो या ना हो आपके बुक में उसे सॉल्व करने के लिए फिगर का इस्तेमाल किया गया हो, अदरवाइज नहीं किया गया हो कोई मतलब नहीं है। आपको मुझसे मतलब, मुझे आपसे मतलब, और हम दोनों को बोर्ड एग्जाम के नंबर से मतलब है। आपको प्रॉपरली यहाँ पर बनाना पड़ेगा फिगर, जैसा कहा गया पहले वैसा करिए। आपसे यहाँ पर बोला गया है कि दो पॉइंट चार्ज है ये और ये, देखिए यहाँ पर बनाया मैंने फिगर यहाँ पर ऐसे करके, एक मैंने मान लिया कि यहाँ पर ये मैंने मान लिया कि यहाँ पर चार्ज कितना है Q1 यहाँ पर, और यहाँ पर मैंने मान लिया चार्ज कितना है Q2। क्लियर? दोनों का नेचर तो कुछ दिया नहीं है प्लस माइनस, तो इसे हम लोग मान लेंगे दोनों को प्लस को, यहाँ पर कोई साइन है मतलब प्लस, यहाँ भी कोई साइन है मतलब प्लस, यानी कि ये भी कैसा है प्लस और ये भी कैसा है प्लस। Q1 की वैल्यू कितनी है मैं लिख दे रहा हूँ, Q1 की वैल्यू दे रखी है हमें 2×10^-7 कूलॉम। ओके, उसके बाद से हमें यहाँ पर दे रखा है Q2 की वैल्यू, Q2 के ऊपर वैल्यू दे रखी है हमें 1×10^-7 कूलॉम। क्लियर है? ओके, और इन दोनों के जो बीच की गैपिंग है डिस्टेंस है वो मैंने मान लिया कितनी आर है, तो इस आर की वैल्यू को भी हम यहाँ पर दे रखा है, कितना दे रखा है यहाँ पर हमें आर 1.0 सेंटीमीटर। देखिए ये हमारा MKS में है, Q2 की वैल्यू भी MKS में है, R की वैल्यू है यहाँ पर CGS में, सेंटीमीटर में दे रखा है। सबसे पहला काम यहाँ पर क्या होगा कि इसे हम लोग कन्वर्ट करेंगे किसमें, मीटर में। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, तो हमारा ये आ जाएगा, इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे, R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.10 मीटर। क्लियर ना कैसे आया, क्लियर हो गया, 1.0/100 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देना, ये आपका आ जाएगा। तो हम लोग इसको इस्तेमाल करेंगे ना कि सेंटीमीटर वाले को। क्लियर है फिगर? आगे बढ़िए, क्या बोला गया है, पहले यहाँ तक का खत्म, यहाँ तक हमने पढ़ा और हमने बना दिया फिगर, आगे बढ़िए। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि आपको यहाँ पर निकालना है क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड, या फिर इंटेंसिटी ऑफ फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड, बात एक ही है, स्ट्रेंथ इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है ई की वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है ना? तो आपको निकालना है, लेकिन कैसा निकालना है, बाई आइदर, आइदर का मतलब क्या, दोनों तरफ से, Q1 का भी और Q2 का भी, आइदर का मतलब क्या, बोथ साइड, दोनों का, आइदर चार्ज, दोनों चार्ज का निकालना है, एट द साइट ऑफ द अदर,
एट द साइट ऑफ द अदर, मैंने आपसे कहा ना कुछ इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट यूज करना है वही यहाँ पर है। एट द साइट ऑफ द अदर का मतलब क्या बता रहा हूँ कि ये जो दिख रहा है आपको प्लस क्यू वन, वो क्यू टू पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहा है वो आपको बताना है, और जो क्यू टू चार्ज है वो दूसरे क्यू वन पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे पर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। हमेशा एक न्यूमेरिकल आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट सिखा कर ही जाएगा। यहाँ पर दो पॉइंट चार्ज है तो आपसे यहाँ पर बोला गया है कि जो क्यू वन चार्ज है वो क्यू टू पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, पहला कॉन्सेप्ट। फिर आपको यहाँ पर बोला गया है कि भाई जो क्यू टू है वो भी तो क्यू वन पर अप्लाई करेगा ना, तो वो जो Q2 है वो Q1 पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा आपको दोनों ही बताने हैं। आइदर चार्ज एट द साइट ऑफ द अदर का मतलब ये है। चलिए हम लोग मान ले रहे हैं कि जो Q1 अप्लाई कर रहा है Q2 पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड है E1, E1 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1, और जो Q2 अप्लाई करेगा Q1 पर उसे हम लोग मान लेंगे E2, E2 का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू Q1 ऑन Q2। तो देखिए यहाँ पर मैंने मान लिया कि जो Q1 चार्ज है वो Q2 पर अप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ऐसे करके क्लियर है, ऐसे मान लिया मैंने। यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अगर प्लस का चार्ज है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर की तरफ होगा, आउटसाइड। तो ये Q1 Q2 पर अप्लाई कर रहा है ऐसे करके इलेक्ट्रिक फील्ड, या आप ऐसे बोलो कि जिस तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई होगा उसी के अलावा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होता है। अच्छा तो देखिए ध्यान रखिए यहाँ पर कि E1 क्या है, फिर से बता रहा हूँ, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कौन अप्लाई कर रहा है Q1, किस पर कर रहा है Q2 पर, क्लियर है। अब Q2 भी क्या करेगा, इसके Q1 पर अप्लाई करेगा, वो मैंने कितना मान लिया यहाँ पर हमने E2 वेक्टर। तो E2 यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड बाई Q2 ऑन Q1, क्लियर है ना यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से, अब यहाँ पर आपको ये भी फाइंड करना है कि E1 कितना है और E2 की वैल्यू कितनी है, आपको दोनों वैल्यू फाइंड करना है। ये हमारा पूरा हो गया कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का। क्वेश्चन का मतलब ये था कि एक चार्ज दूसरे पर और दूसरा वाला पहले पर कितना कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है। अब मेरी थोड़ा सा बात सुनिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम लोग अप्लाई करना जो फाइंड करते हैं E की वैल्यू, उसका फॉर्मूला क्या था अभी आया था, उसका फॉर्मूला हमने पढ़ पाया था, ये था E इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में कैपिटल के नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी मीडियम के बारे में नहीं दे रखा है। किसी भी न्यूमेरिकल में, ध्यान से सुना मेरी बात, किसी भी न्यूमेरिकल में अगर मीडियम के बारे में बात ना की गई हो, कैपिटल के की वैल्यू ना पता हो, तो उस फिर उस चक्कर में ना इलेक्ट्रिक फील्ड के फार्मूले में, इलेक्ट्रिक फोर्स के फार्मूले में, यानी कि कूलॉम्स लॉ वाला जो फार्मूला है उसमें कहीं भी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बाद के मत लगाना, अगर मीडियम दे रखा है तो वहां पर के आएगा, क्लियर। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है। आपसे क्या कहा था मैंने कि इलेक्ट्रिक फील्ड दो बात पर डिपेंड करता है, एक तो जो चार्ज यानी कि जिसके थ्रू निकालते हैं वो चार्ज और डिस्टेंस, मतलब कहने का कि यहाँ पर जो Q1 है तो अगर हम E1 निकालेंगे तो E1 वाले में यहाँ पर Q की प्लेस पर क्या आएगा Q1, और E2 वाले में यहाँ पर अगर होगा E2, जैसे मैंने यहाँ पर किया E1, तो यहाँ पर क्या आएगा Q1, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा चार्ज का होता है, ऐसे करके चार्ज हमेशा अप्लाई करता है। तो ध्यान रखने वाली क्या बात है कि अगर जब हम लोग फाइंड करेंगे E1 की वैल्यू तो उस फार्मूले में क्या आएगा Q1 आएगा, आर तो दोनों के बीच में कॉमन है, और जब हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे क्या E2 तो यहाँ पर क्या आएगा Q2 आएगा, क्लियर है ना। चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ अभी के लिए। तो इस फार्मूले को हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, और समझने वाली क्या बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड वाले इस पॉइंट चार्ज के फार्मूले में नोटिस करने वाली बात क्या है कि जिस जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो चार्ज वो लेते हैं जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करता है, वो चार्ज मत लेना जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रहा हो। छोटा सा अंतर है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूँ, जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहा है, अब देखिए E1 कौन अप्लाई कर रहा है Q1, तो इसी रीजन से E1 के फार्मूले में Q1 आएगा। E2 कौन अप्लाई कर रहा है Q2, तो जब हम लोग E2 फाइंड करेंगे ऐसे करके तो वहां पर क्या आएगा Q2 आएगा। आपसे मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ, चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये कॉमन फार्मूला है दोनों के लिए, ठीक है, इसको मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूंगा। अब देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ सॉल्यूशन कैसे करना है आपको। लेट मान लिया मैंने कि E1 क्या है, E1 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q1 ऑन Q2, ओके ये हो गया, एंड गिवन बाय
और यहाँ पर मैं सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, जो आपको मैंने बताया था उसको मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इवन है क्या, और मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। फॉर्मूला यहाँ पर लगा दीजिए, इवन का फॉर्मूला 1/4πε0 Q1/r² कहा था ना आपको मैंने कि अगर इवन होगा तो यहाँ भी आएगा Q1। सॉल्व कर लेंगे इसको हम प्रॉपरली, तो यहाँ पर चलिए मैं यहाँ कर दे रहा हूँ सॉल्व से, तो इसको मैंने इवन कॉपी कर लिया। यहाँ पर 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है देखिए, मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 की वैल्यू होती है, चलिए यहाँ लिख दे रहा हूँ 1/4πε0 की वैल्यू 9×10⁻¹ ये होती है ना। और इसकी यहाँ पर यूनिट बताई थी आपको मैंने, क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलॉम स्क्वायर। क्लियर है? तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इस पूरे के देखिए, इवन को मैंने कॉपी कर दिया, इस पूरे के प्लेस पर लगा देंगे वैल्यू 9×10⁻¹ × Q1। Q1 का मतलब ये पूरी वैल्यू 2×10⁻¹⁷ अपॉन, और फिर यहाँ पर मैं दे रखा है आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 0.10, तो यहाँ पर लगा देंगे हम लोग 0.10 का होल स्क्वायर। इसको हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेंगे पूरा, तुम्हारा यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1.8×10⁻¹। और यहाँ पर ये आंसर किसका है, ये आंसर है इवन का, और इवन की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलॉम, या इसको आप बोल सकते हो NC-1 ऐसे करके, NC-1 बात एक ही है। फिलहाल मैं इसको ऐसे लिख दे रहा न्यूटन पर कूलॉम। क्लियर है ना? इसको पूरा सॉल्व करना आपको आता है, आप लोग सॉल्व करना, आपका आंसर ये आ जाएगा। क्लियर? अब देखिए इसके बाद से, इसके बाद से सिमिलरली आपको पॉइंट कर रहा है E2, तो फिर यहाँ पर करेंगे हम लोग एंड लेट E2 वेक्टर बी द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, ये पूरा हमारा फिगर है, ड्यू टू चार्ज Q2 ऑन Q1 गिवन बाय। अब देखिए यहां पर क्या लिखा हुआ है कि E2 क्या है, तो E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, कौन लगा रहा है, ड्यू टू Q2, जो यहां पर होगा वही चार्ज यहां पर आएगा ऑन Q1। और इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, Q1 ऐसे करके, तो यहां पर लगा देंगे सेम फॉर्मूला E2 का, E1 में देखिए E1 में Q1 था, तो E2 में क्या आएगा, Q2 आएगा 1/4πε0 × का मतलब डॉट लगा दे रहा हूँ, डॉट Q2/r² सॉल्व कर लेंगे इसको भी हम लोग प्रॉपरली अच्छे से, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा E2 की वैल्यू। देखिए सारी वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड पर, तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं 1/4πε0, इसकी वैल्यू देखिए बताइए आपको मैंने 9×10⁻¹ आपको याद भी होगी, तो बस यहाँ पर अप्लाई कर दिए 9×10⁻¹⁹ × Q2 की वैल्यू है 1×10⁻¹⁷ अपॉन आर, आर का स्क्वायर, आर की वैल्यू है 0.10 मीटर, 0.10 का होल स्क्वायर। ओके, इस पूरे को प्रॉपरली आप सॉल्व कर लेना, तो आप यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9×10⁻¹ न्यूटन पर कूलॉम, या फिर न्यूटन कूलॉम इनवर्स, बात एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके साथ साथ अभी इसका मतलब ये नहीं कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इस टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे, एक ही अलग एक ना कॉन्सेप्ट था, एक यहाँ पर लॉजिक था, मैंने आपको करा दिया। इसके अलावा और ढेर सारे क्वेश्चन हैं, डायरेक्शन का आप ध्यान रखना, प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड लगाएगा, माइनस का अगर चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाता है, इनसाइड लगाता है, अंदर की तरफ लगाता है। ये दोनों कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान देना, कोई भी पॉइंट चार्ज, ध्यान से सुनो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, चलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ नोट, ध्यान से सुनना ठीक है, आप यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ नोट में, ये कह रहा हूँ कि जैसे कि मैंने मान लिया कि यहाँ पर एक चार्ज है, ध्यान दीजिएगा, एक यहाँ पर चार्ज है मैंने मान लिया प्लस क्यू, और यहाँ पर एक मैंने चार्ज मान लिया माइनस क्यू, और यहाँ पर एक मैंने मान लिया पॉइंट कितना है, पी है, तो इस पी पॉइंट पर जो प्लस का ये प्लस का ये प्लस क्यू चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, तो इसका आंसर होगा बाहर की तरफ ऐसे करके, मान लिया मैंने ई1, ये Q1 है और ये मान लिया Q2 है, और इसी पी पॉइंट पर जो Q2 चार्ज है वो कैसा लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ, समझ आ गया, क्लियर है ना, क्या बता रहा हूँ आपको मैं,
देखिए बहुत ही बेसिक है कॉन्सेप्ट, इसको बहुत ध्यान रखिएगा, इसे आप अंडर एस्टिमेट मत करना। दो पॉइंट चार्ज है एक क्यू वन और एक क्यू टू, और इन्हीं दोनों के लाइन में एक तीसरा यहाँ पर एक पॉइंट है, और आपसे कह रहा हूँ कि देखिए तो ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा, क्यू वन वाला भी, क्यू टू चार्ज भी पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा हूँ आपको मैं, अगर प्लस का चार्ज है तो इस किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, बाहर की तरफ, और वही अगर चार्ज माइनस का है तो उसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगाएगा, अंदर की तरफ, यानी कि प्लस वाला चार्ज हमेशा बाहर, अपने से दूर बाहर की तरफ अप्लाई करता है, जिसे कहते हैं आउटसाइड डायरेक्शन में, और जो माइनस का चार्ज है वो किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड लगाता है। क्लियर है ना, ये अभी हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, अभी आगे और भी हमारे कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, डाइपोल वगैरह है हमारे, तो वहाँ पे हम लोग इसको कवर कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखना, क्लियर है, और जितने भी टॉपिक के क्वेश्चंस वगैरह हैं उसे आप प्रॉपरली सॉल्व कर लिए, और जो भी आपको डाउट वगैरह है या फिर जैसे भी पॉजिटिव निगेटिव कमेंट्स हैं उसे बताइए, हम और आप मिलकर उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और फिर आपको बहुत जल्द आपको मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर। बीच में कुछ प्रॉब्लम वगैरह हो गई थी हैकिंग की, तो उस चक्कर में हम लोग कुछ यहाँ पर ना वीडियोज को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो कोई बात नहीं, अब आपको रेगुलर यहाँ पर वीडियोज आपको मिलेंगे, तो प्रॉपरली इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, और जो भी आपके नोवर्कर्स हैं सॉल्व कर रही है, और जो भी डाउट हैं आपके आप कमेंट करिए और पूछिए। कंटिन्यू, थैंक यू।